सुनीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो हाँ जी मैम। मैडम, मैं सुनीता हिसार से बात कर रही हूँ। मैडम मेरा फोन मत काट मैडम, मैम नहीं फोन तो बाद बिल्कुल नहीं में। काटा जाएगा, बताइए सवाल करिए। हाँ मैडम, मैंने बालों से रिलेटेड आपसे बात की थी ये कोई 2-4 पहले मैडम। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मैडम, तो मुझे इसमें परहेज पूछना था मैडम। मेरा परहेज जो बालों का इलाज पूछा मैंने, परहेज जानना था मैडम। हाँ ठीक है जी, हाँ जी। जी, हाँ परहेज तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस पेट ठीक रखने की कोशिश करें। और गौंद मोरिंगा आपको लेना है 1 ग्राम रोज़ाना, पानी दूध या नारियल पानी से। और कब्ज़ नहीं होना चाहिए आपको, बस इतना ख्याल रखें और लगातार इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ओमवीर जी स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम जी को भी नमस्कार। जय हिंद अमवीर जी, स्वागत आपका। जी मेरे पैर में चोट लगी थी 7 महीने पहले, सीधे पैर की जो सामने की हड्डी है इसमें, और वो ठीक नस पे लगी। नस लगते के साथ ही उंगली जैसी मोटी हो गई थी, और रात रात में वो सामान्य हो गई। अब मैं जब अगले दिन पैदल चलना पड़ गया मुझे, तो मेरा पैर सूज गया। मैंने वो सिकाई वगैरह करी, सब तरह की दवाई वगैरह लगा के, तो उससे उतर जाती है। अब मैं जब भी पैदल चलता हूँ आज तक, इसमें स्वेलिंग आ जा घुटने के ऊपर तक, ठीक है नीचे ठीक। की गांठ है और घुटने के ऊपर तक जहां मैं भी स्वेलिंग आ गया है जब भी चलूं, और हल्का लंगड़ाहट आ गया ख्याल में। ठीक है ठीक है। आपने पहले भी फोन किया था? हाँ किया था जी, मेरी बात नहीं हो पाई उस समय, ठीक है ठीक कॉल है। कट गई फिर। हाँ देखिए, ये एक फितरी बात है कि जब हमें चोट लगती है तो वो जगह इम्प्रेस रहती है कुछ दिन। और आप एक दो चीज़ें करें कि बहुत मेहनत ना करें और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, और असली गौंद स्याह, इसे काला गौंद कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है। 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिलता है। बस आधा ग्राम रोज़ाना पानी या दूध के साथ ले लिया करें एक बार, ज़रूरत पड़े तो 2 बार भी ले सकते हैं। और वज़न उठाना बंद कर दें, बहुत मेहनत करना बंद कर दें। 3-4 महीने ये इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। उज्जैन से हैं शमशाद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम डॉक्टर, अस्सलाम मैम। डॉक्टर को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं वाले सलाम, खुश आमदीद। डॉक्टर वह ना, मैंने गौंद सिया मंगवाया था, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, तो है ना उसमें कुछ परहेज है क्या? ठंडा और खटाई, इसके परहेज है कुछ? ठीक है जी। और हकीम साहब एक और सवाल है मेरा, वो है ना मेरी बेटी है, उसको 15 दिन तक एज रहता और बहुत ज्यादा रहता है। हाँ ठीक। गौंद स्याह को खाने वाले को बस ये परहेज है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करें, झाड़ू पोछा ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट जो कुर्सी वाला शौचालय है वो यूज़ करें। कुछ दिन जब तक इलाज चल रहा है ज़्यादा मेहनत ना करें, बस यही परहेज है, खाने पीने का कोई परहेज नहीं है। और बच्ची को रोज़ाना एक खुराक, देखिए ये आप जानते हैं, इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच पानी में मिलाएं या दूध में मिलाएं, जैसे बच्ची को आसानी हो, 1 चम्मच। और शक्कर वगैरह मिला लें, मीठा कर लें ताकि उसको अच्छा लगे, और एक चुटकी गौंद चिलगोज़ा उसमें मिला दें।
और ये एक खुराक रोज दिया करें बच्ची को, और 2 महीने लगातार दें, तब उसको फायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं अलीगढ़ से सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर, बैठ जी से बात कर लीजिए, मेरे दूर कर लीजिए बात। स्वागत भाई आपका। जय हिंद। नमस्कार, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बैठ जी, आपसे बात हो रही है, मैं बड़ा खुशनसीब हुआ। बैठ जी, हम मेरा भांजा है 8-9 साल का, वो कुछ लंगड़ा के चलता है पैरों से, पहले बिल्कुल ठीक था, अभी 4-5 महीने से। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे बीपी की शिकायत है, कोई ऐसी घरेलू या वैसी उपचार हो जिससे मेरे बीपी ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा देखिए, उपचार तो मैं घरेलू ही बताता हूँ ज्यादातर, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिसे कोई दवा बताता हूँ। तो उपचार ये है आपका ब्लड प्रेशर का, कि आप एक चुटकी खाने का सोडा, जो मीठा सोडा कहलाता है वो, और एक चुटकी नमक जैतून असली पानी में मिलाकर दिन में 2 बार पिया करें। लगेंगे तो 5-6 महीने, लेकिन आपको इस रोग से निजात मिलना मुमकिन है। जो भी दवा मैं बताऊँ उसका असली लेना ज़रूरी है। अच्छा, बच्चा बहुत छोटा है, पहले आप देख लीजिए एलोपैथिक इलाज करके, अगर वो ठीक हो जाए तो। यूनानी इलाज तो जब लें जब किसी सूरत आपको फ़ायदा ना हो। वैसे उसका इलाज ये है कि बहुत गौर से सुनिए, उसको ज़्यादा ना दे दें। ये जो भी मैं दवाएं बताता हूँ, ये एक एक चुटकी, लेकिन ये बहुत तेज़ होती हैं। तो देखिए, धनिया का पाउडर लें, 1/2 चम्मच से भी 1/2 चम्मच, टीस्पून होता है ना, उसके 1 स्पून में 4 हिस्से करें और 1 हिस्सा उसका धनिए का। और गौंसिया, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, वो ले लें, और 1 चुटकी में जितना आए उतना ये धनिए के पाउडर में मिला लें, और ये शहद में मिला के बच्चे को रोज़ खिला दें, 1 बार सिर्फ दूध के साथ। चंद खुराकें देने से बच्चों को फायदा होना मुमकिन। लखनऊ से तहसीन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम की साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? सब बेहतर है, आप बताएं। मैम आपने सवाल पहले बहुत अच्छा किया स्टार्टिंग में, कि भीड़ में आने से होती है घबराहट, वो बात सही है, सभी को होती नॉर्मली चीज है कि कोई आ जाता है तो मुंह से आवाज निकलती है, तो मतलब हो जाती है। जी मैम, हमारा ये सवाल था कि जैसे लीची खाने के क्या क्या फायदे होते हैं, लीची की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है, या किन किन चीजों में फायदा करती है लीची? ठीक है। और दूसरा लीची, अच्छा जी। और दूसरा ये जो नाखून सड़ जाते हैं जिन लोगों के, हाँ, तो उनकी क्या दिक्कत होती है, उसका क्या नुस्खा है, ये किस कमी से उनके ये चीज होती है, ये जानना कि नाखून जो सड़ जाते हैं तो उसके बारे में, उसको कैसे मतलब क्या होता है कि उसकी जो दिक्कत हो जाती है इंसान के, ठीक, और उसका नुस्खा क्या है। ठीक है मैम जी। तहसीन जी, लीची हो या आम, जब तक ये इसमें खटास है तो इसकी तासीर ठंडी रहती है, और जब इसमें मुकम्मल मिठास आ जाए तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। ये इन दोनों की या किसी भी चीज़ की ये पहचान है, खट्टी होने पर तासीर ठंडी और मीठी होने पर गर्म हो जाती है। गर्म चीज़ मुकव्वी होती है, यानी ताकतवर होती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस तौर पर। कुछ लोग खट्टी मीठी यूज़ करते हैं, और
जैसे आम है, आम को अगर कच्चा लेंगे तो ये बहुत ठंडा होता है, कुछ लोगों को खांसी भी कर सकता है, लेकिन जब हम पक्का आम खाते हैं, खूब मीठा तो होता है लेकिन वो खट्टे तबीयत वालों को, सर्द तबीयत वालों को नुकसान नहीं देता जी। और क्या सवाल? नाखून गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसके लिए नुस्खा? अच्छा देखिए, नाखून, बाल और हड्डियां और दांत, ये कैल्शियम और प्रोटीन से का एक मिला जुला रूप होता है। तो जिनको भी दांतों में, बालों में और स्किन पर भी और नाखूनों में परेशानी हो तो वो कैल्शियम लिया करें किसी भी सूरत में। हमारी हर उम्र को कैल्शियम की ज़रूरत होती है और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, चाहे हम बच्चे हों चाहे हम बड़े हों। तो अगर इन दोनों का संगम हो, यानी साथ में लें, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कैल्शियम एक हफ्ते में दो बार ले लिया करें, जो लोग 40-45 साल से ज़्यादा के हैं, ये हमारे जिस्म की ज़रूरत है। और इसके साथ अगर हम रोज़ाना 1 ग्राम सफ़ेद कॉर्न मोरिंगा लेते हैं तो ये हमारी बालों और स्किन और कैल्शियम और ये मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके हमारी जिस्म की दशा अच्छी रखते हैं।